तो यहाँ पे कुछ व्यू दिखाते हैं आपको। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चों का झूला है। स्वागत है आपके नए ब्लॉग में। तो सीन कुछ ऐसा है कि आज अब हम बैठे हुए पार्क में एकदम आराम से, क्योंकि आज थोड़ा महंगाई में आटा केला चल रहा है हद से ज़्यादा। तो अभी क्या है कि मेरे को कल मैसेज आया था कि भाई आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है और ओवर स्टे चल रहा है, फाइन आ रहा है। कोई नहीं, उसका फाइन मैंने एडवांस में जमा करा दिया और वीज़ा भी प्रोसेस हो गया है, तो होपफुली जल्दी से आ जाएगा। और आज हमारे साथ हैं सोम भाई साहब, हेलो कर दो। हाय। तो दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा रूल और रेगुलेशन को कोई बराबर से फॉलो ना करे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे ये मेरा वीज़ा ही ख़त्म हुआ, तो ये मेरा सेकेंड टाइम है जब मेरे को फ़ाइन आ रहा है, वरना मैं अच्छे तरीके से रूल और रेगुलेशन फॉलो करता हूँ और बराबर तरीके से रहता हूँ, बट कभी कभी हो जाता है ऐसे। पर चलो कोई बात नहीं। चलो मेरे साथ हैं सोम भाई जो हैं नेपाल से, बट ये रहते हैं इंडिया में। तो सोम भाई आप कुछ बोलना चाहोगे, दुबई में आके कैसा लग रहा है आपको? तकरीबन हो गए, कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को अभी तकरीबन 4 महीने हो गया। तो मेरे को 3 महीने के विजिट वीजा में आया था मैं। अच्छा, तो क्या हो गया कि मैं एक जगह जॉब में, मैं जॉब हो गया था, 2 महीने किया उधर काम किया, तो मेरे को उधर थोड़ा वो लोगों ने वीजा नहीं दिया, तो मेरे को बहुत मुसीबत में पड़ा। मेरे को फाइन आ गया 1400 दिरहम। तो मैंने 1400 दिरहम रुपये फाइन दे के फिर 1250 में फिर 3 महीने के वीजा डाल के अभी मैं संदीप भाई के दोस्त के पास हूँ। तो मेरे को इतनी मुसीबत में पड़ा हूँ, अभी मेरे को जॉब भी नहीं मिला है। तो दूसरा, मेरे को इतने पैसा, इतने 2700-2800 रुपये तक मैंने फाइन लगा के वीजा डलाया, फिर मेरे को बहुत दिक्कत आ रहा है। तो अभी थोड़ा साथ में मेरा संदीप भाई है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरा तो मैं दोस्ती बन गया, हमने जान पहचान से थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है उनके साथ घूमने के लिए। अभी तो मेरे को कौन सी जगह पर, मेरे को तो ये भी मालूम नहीं है कि उनके साथ मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो अभी मेरे को इन्होंने बोला है कि मैं ले जाऊँगा दुबई मॉल। ठीक है, दुबई मॉल कहाँ है क्या है मेरे को ये भी पता नहीं, क्योंकि मैं नया हूँ। ठीक है, 2 महीने तक मैंने काम कर चुका, पर उसने मेरे को वीज़ा दूंगा बोला, वीज़ा भी दे दिया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो पैसा मैंने दूसरी जगह से कहीं से जुगाड़ करके फिर मैंने 3 महीने के वीज़ा डलाया, फिर फाइन भरा 1400 दिरहम। मेरे को बहुत दिक्कत आ रहा है, तो देखेंगे अब आगे क्या होता है। अब संदीप भाई के साथ चल रहा हूँ, तो अब साथ साथ चलेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर जॉब तो ऐसे ढूंढ रहे, अभी तक मिला नहीं है, अब क्या होता है देखेंगे बाद। तो कितना ईजी है यहाँ पर किसी को बुलाना और काम पर लगना, और क्या ये इजी काम है क्या? मतलब किसी को डायरेक्ट से, किसी को पता नहीं है यहाँ के बारे में, और इतना इजी है क्या कि दुबई में डायरेक्ट आओ, जैसे कि मैं अपने थ्रू किसी को बुलाऊं और इतना जल्दी वो काम पकड़ सकता है या नहीं पकड़ सकता है? कितना मुश्किल है? मुश्किल बहुत है ऐसा भी कर, इधर तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी भी हम मुश्किल में हैं, अभी भी इतने मुश्किल में है कि अब पूछो मत, अब जाए कहाँ जाए, खाए क्या खाए, बैठे कहाँ बैठे, ऐसे मुसीबत चल रहा है अभी हमारा। तो क्या करें भाई साहब, दुबई में बहुत बेहाल हो रहा है हमारा। अब देखिए, अब देख रहे, घूम रहे, अब ढूंढ रहे, कुछ आगे क्या होता है कुछ पता ही नहीं है। मैं तो ये, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं व्यू कुछ इस तरीके से है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये है बस स्टैंड यहाँ पे।
यहाँ पे कुछ बच्चों के इस तरीके से झूले हैं। यहाँ का बहुत अच्छा वातावरण है और ये सामने आप देख सकते हैं कि फुटबॉल खेलने के लिए वहाँ पे छोटे मोटे जिम भी बने हुए हैं। सो इस एरिया में मैं काफ़ी टाइम रहा हूँ, बहुत लंबे टाइम तक रहा। तो अभी आप लोगों के लिए इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे।